अमरवाड़ा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी कमलेश शाह 3,252 मतों से जीत गए हैं। वहीं यहां दो ईवीएम मशीनें खराब होने के बाद काउंटिंग वीवीपीएट से हुई है। वहीं बीजेपी कांग्रेस के बीच उस वक्त 1200 से ज्यादा मतों का अंतर था। वहीं कांग्रेस ने इस बात को लेकर आपत्ति दर्ज की है। बता दें कि 19 राउंड तक भाजपा प्रत्याशी कमलेश शाह 1100 वोटों से आगे चल रहे थे। वहीं 20वें राउंड में दो ईवीएम खराब हो गई। वहीं 18वें राउंड में बीजेपी के कमलेश शाह 600 वोटों से आगे हो गए थे। वहीं इससे पहले तक कांग्रेस आगे चल रही थी। वहीं 11वें राउंड में धीरन शाह कमलेश ने और उनसे 5,000 से ज्यादा वोट से आगे थे। वहीं बीजेपी की इस जीत से कमलनाथ को झटका लगा है, क्योंकि नाथ परिवार के इस सीट पर 40 सालों से ज्यादा तक राज किया। बता दें कि एमपी की छिंदवाड़ा सीट तब भी कांग्रेस के पास ही थी जब साल 1977 में पूरे देश में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ लहर थी। वहीं आजादी के बाद से इस सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा रहा। वहीं धीरन शाह इनवाती और आंचल कुंड दरबार से ताल्लुक रखते थे। वहीं धीरन के पूर्वजों ने यहां 200 साल पहले आंचल कुंड दरबार स्थापित किया था। यहां बाबा धूनी वालों ने भी तपस्या की थी। वहीं इस अंचल के लोगों में आंचल कुंड दरबार के प्रति गहरी आस्था है। वहीं खास बात यह भी है कि साल 1980 में कमलनाथ ने इसी दरबार के दर्शन करने के बाद छिंदवाड़ा में अपना सियासी सफर शुरू किया था। वहीं अब अमरवाड़ा उपचुनाव नतीजों पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि पूरी पार्टी और कार्यकर्ताओं ने बहुत एकजुटता से प्रयास किए। कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, जनता में भी परिवर्तन था और इसके बाद भी अगर भाजपा जीती है तो मेरा मानना है कि चुनाव को लूटा गया है। चुनाव में गोंडवाना भी 25,000 से ऊपर ले गई कांग्रेस पार्टी। लोकसभा में हम लगभग 14,000 वोट से ये चुनाव हारे थे। प्रयास कार्यकर्ताओं ने और पूरी पार्टी ने बहुत एकजुटता से किए। जो प्रशासन का दुरुपयोग होता है, जो बीजेपी ने एक चलन जैसा ला दिया है, वो नेचुरल है, स्वाभाविक है, वह अद्भुत हुआ है। और मैं ये बोलते हुए कि बहुत मेहनत कार्यकर्ताओं के परिवर्तन था पब्लिक में भी, उसके बावजूद भी अगर चुनाव बीजेपी जीती है इसका मतलब है चुनाव को लूटा गया है। और मैं मानता हूँ जो प्रशासन की अधर्मिता रहती है वो जनता देखे समझे, और जिस तरीके से प्रशासनिक कर्मचारी और अधिकारियों को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है ये लोकतंत्र के लिए खतरा है।